नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। योगी सरकार में बदमाशों पर पुलिस का खौफ इस कदर बैठ गया है कि अब अपराध करने से भी तौबा करने लगे हैं। पुलिस की सख्ती का डर है कि 15,000 के इनामी बदमाश ने डर के चलते आत्मसमर्पण कर लिया। पुलिस को आत्मसमर्पण करने का पूरा मामला संभल जिले के नखासा थाना का है, जहां आज एक बदमाश गले में पट्टी डालकर थाने पहुंचा और इंस्पेक्टर के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बताया कि नईम उर्फ बड़ा नाम के शातिर अपराधी ने आज समर्पण किया है। दरअसल यह 15,000 का इनामी बदमाश है और गोकसी में वांछित चल रहा था। उन्होंने बताया कि अपराधियों के खिलाफ संपत्ति कुर्क करने और कार्रवाई करने के डर के चलते बदमाश ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। लेकिन इसके पहले आप ये पूरा वीडियो देखें कि किस तरह से एक बदमाश पुलिस के पैर पकड़ कर गिड़गिड़ा रहा है। ये तस्वीर है यूपी के संभल से, आप देखें पूरा ये वीडियो, उसके बाद हम आपको सुनाएंगे एसपी यमुना प्रसाद ने क्या कुछ कहा। आप देख रहे हैं संभल से, सतीश सिंह की रिपोर्ट। मत करें इसे बिल्कुल भी। मैंने भाई कोई मिलता मुकदमा नहीं था भाई। मेरे लोनी है चार भाई छोटी छोटी कोई कुछ नहीं करा दिया, कोई कुछ नहीं करा। जमानत करवाता, मैं पलों का टेला लगा रहा था, चाहे मेरी ससुराल में डर के मारे में रहने वाला मंजूर पर माफी खाऊं, लेकिन डर के मारे में ससुराल में रहने लगा था। जनपद संभल में अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी जो नईम है, इसने आज थाना नखासा में आत्मसमर्पण किया है। लगातार जनपद में गैंगस्टर एक्ट के अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में इनकी संपत्ति जो अवैध धन से अर्जित की गई है, उनकी कुर्की की कार्रवाई भी चल रही थी। इसी के डर से ये बदमाश नईम उर्फ बड़ा पुत्र अमीन निवासी मंसूर माफी थाना नखासा क्षेत्र में आकर के आत्मसमर्पण किया है। ये 15,000 रुपये का इनामी बदमाश और गैंगस्टर एक्ट का वांछित अपराधी था और इसने स्वयं आत्मसमर्पण किया है। इसको पुलिस गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई कर रही है।